भोपाल के मासूम को चिकली चौक कलमना में ट्रक ने उड़ाया। बच्चे ने दम तोड़ा। दो घंटे तक बाप शेख सिराजू अपने बेटे उस्मान की जान बचाने के लिए अस्पताल के लिए घूमता रहा। प्राइवेट अस्पताल ने इलाज करने से इनकार किया, वरना बच्चे की जान बचा दी। 10-10-24 गुरुवार को रात 9:30 बजे के करीब कलमना के चिकली फाटा निवासी शेख सिराजू के छोटे बेटे 11 वर्ष के उस्मान को चिकली चौक कलमना पेट्रोल पंप काली माता मंदिर के सामने ट्रक ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। रात के 9:30 बजे चिकली फाटा बस्ती से डीजे काली माता मंदिर जा रहा था, जिसमे बस्ती के सभी बच्चे नाचने चिल्लाने लगे। उस्मान के पिताजी रात 9:30 बजे जब उसे अपने बड़े बेटे के साथ लाने गए तो शेख सिराजू रोड उस पार खड़ा था और बड़ा बेटा उस्मान को लाने गया। दोनों भाई हाथ पकड़ कर आ रहे थे, तभी एक ट्रक ने बच्चे को उड़ा दिया, जिसमें उस्मान बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके पिताजी ने जब देखा तो रोड के किनारे उस्मान पड़ा था। पिता ने अपने उस्मान को उठाया और अपने दोस्त की मदद से पार्टी की भवानी अस्पताल लेकर गया। भवानी अस्पताल में डॉक्टर ने उस्मान का इलाज करने से मना कर दिया और मेयो अस्पताल जाने को कहा। मेयो पहुंचने पर पता चला कि 11 साल के नन्हे बालक उस्मान ने दम तोड़ दिया और बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग करने लगी। कुछ देर में कलमना थाने के PI और ACP भी वहीं पहुंच गए। वसीम खान व PI प्रशांत पांडे के समझाने पर बस्ती के लोग और बच्चे के माता पिता पोस्टमार्टम के लिए वसीम खान व सभी बस्ती के लोग परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया। कल 10 तारीख के रात में 10 बजे चिकली चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में एक 11 साल का बच्चा, उसकी डेथ हो गई। घटना एक दुर्दैवी घटना है। इस घटना के ऊपर कलमना पुलिस स्टेशन में गुना भी दाखिल किया है हमने, और जो भी ये ट्रक चालक है उसका सर्च उसका चालू है, और जल्द से जल्द हम उसको हमारी कस्टडी में ले लेंगे और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित के परिवार को भी हमने आश्वासन दिया है कि ये जो भी घटना हुई है, इस घटना में जो भी आरोपी है उसको हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और पीड़ित के घर वालों को हम जल्द से जल्द इंसाफ देंगे। इसलिए हम पूरा दिन रात करके हम उसका प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द उनको इंसाफ दे देंगे। चिकली माड़ा क्वार्टर के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं। वहाँ पे एक ये जो हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनका बच्चा 11 साल का 10 साल का बच्चा उस्मान शेख, वहाँ से डीजे जा रहा था। कुछ बारात थी के देवी का डीजे जा रहा था, तो सभी बस्ती के बच्चे वहाँ नाच रहे थे, तो वो बच्चा भी ऐसा डीजे में नाचने के लिए या देखने के लिए गया। जब वो दिखा नहीं तो उसके पिताजी उसको ढूंढने के लिए निकले, तो 10 बजे रोड के बाजू में वो पड़ा हुआ मिला, जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला। उसको उठाकर उसके पिताजी और बस्ती के कुछ लोगों ने सबसे पहले भवानी पार्टी में जो हॉस्पिटल है, भवानी हॉस्पिटल, वहाँ गए तो हॉस्पिटल के लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। तो इनको बोला गया कि आप मेवा लेकर जाओ। जब ये मेवा आए तो बच्चे ने यहाँ दम तोड़ दिया था और बच्चे को PM का यहाँ पर बोला गया है। तो हमने बहुत कोशिश करी कि बच्चे का PM ना हो, लेकिन वो एक्सीडेंट हुआ है। वो बच्चे की जान कैसी गई, कौन सी गाड़ी ने उसको मारा, ट्रक ने, कार ने, कि बाइक ने उसको कुचला है, उसी के लिए उसका PM होगा। कल हमें बॉडी मिलेंगी। 11 साल का मासूम बच्चा था। ये लगातार नागपुर में हिट एंड रन के केस हो रहे हैं, वैसे ही ये 11 साल के 10 साल के बच्चे ने यहाँ दम तोड़ दिया। हमारा पुलिस से प्रशासन से यही मांग है कि बच्चे को कल जब PM होकर जब इसको दफनाने के लिए लेकर जाएंगे तो उसको दफनाने से पहले जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे हमें होना। अभी कलमना पुलिस के अधिकारी या मौजूद थे ACP और PI साहब, तो उनसे भी आपने कुछ गुहार लगाई है? कलमना पुलिस के अभी यहाँ पे वहाँ के PI प्रशांत साहब और ACP साहब भी आए थे, तो उसके पिताजी ने, वहाँ के रहवासियों ने, और मैंने भी उनसे यही बात करा कि साहब सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी में बच्चे का PM सुबह से जल्दी उसकी बॉडी मिल जाए और वो जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो उन्हें उन लोगों ने हमको ये बताया है कि हमारा प्रोसीजर चालू हो गया है, वहाँ के कैमरे चेक हो रहे हैं, पर अभी उसके बच्चे के जो पिताजी है उनके स्टेटमेंट के लिए हमें कलमना थाना बुलाया है, तो हम अभी वहीं जाएंगे। आपका क्या नाम है भाई? सराजू शेख। आप बच्चे के पिता हो? जी। तो क्या कहना है आपका इस चैनल के माध्यम से? चाहिए बस जिसने मेरे बच्चे को उड़ाया है वो पकड़ा जाए बस। बच्चे की उम्र क्या थी? 11 साल का बच्चा है मेरा, प्राइवेट में भी लेके गया तो उन्होंने मेरे को यहाँ भेज दी। क्या नाम था बच्चे का? उस्मान शेख। ये DJ में नाचने के लिए गया था तो मैं सिर्फ देखने के लिए गया था,
बोला बच्ची को देख के आता हूँ, अभी तक आया नहीं, 10 बज रहे। अच्छा, तो देखने गया तो रोड के किनारे पे पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ था तो कोई ने आजू बाजू आमने सामने कोई डीजे पे नाच रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया? बज रहा है, सब नाच रहे थे, वो पड़ा हुआ था साइड में। अच्छा, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो आपको जब मालूम पड़ा तो आपने सबसे पहले कहाँ लेकर गए उसको, बच्चे को? डीजे सब नाच रहे थे, मैं अपने बच्चे को उठाया और राधा कृष्णा हॉस्पिटल ये वहाँ पार्टी के लेके गया, तो उन्होंने डायरेक्ट इधर भेजे, भवानी मंदिर से इधर आए, भवानी हॉस्पिटल रोड में। वो तो यहाँ इंतकाल हो गया, वहाँ ले लेते तो वो बच जाता था सर। उस मैडम के बाद मिलना है जो कुछ साफ़ बोले है कि पकड़ने के लिए उसकी कोशिश जल्दी करो, तो साथ में बोले है कि ठीक है, हम बोले शाम सवेरे तक पकड़ लेंगे, ऐसा हमारे पीआई साहब का कहना है करमना का। अच्छा, और हमारे ईसीपी साहब भी आए थे यहाँ, उनमें भी वही बोले है।